नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। स्वागत करती हूँ अपने सारे दोस्तों का आपके अपने ही चैनल मेरी सहेली पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटे बेसन वाले मूंगफली। आप कैसे बना सकते हैं, जो कि बाजार में मिलता है। एकदम आसान तरीका है। घर में बनाएंगे तो आप अपने पसंद से बनाएंगे। इसमें जो भी डालना होगा वो आपकी मर्जी होगी। तो यहाँ पर आपको बेसन वाले मूंगफली के लिए एक मूंगफली इस कलर का आता है और एक थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद टाइप का होता है, पिंक पिंक टाइप का। तो आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। ये वाला थोड़ा ज़्यादा मीठा होता है, जो ये कत्थे कत्थे जैसा देख पा रहे हैं, लाल लाल सा है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मूंगफली को अच्छे से चेक कर लेना है, कहीं कोई इसमें सड़ा हुआ दाना नहीं होना चाहिए, नहीं तो सारे नमकीन का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाता है। मूंगफली के ऊपर बहुत सारे धूल मिट्टी भी चिपके होते हैं, तो बहुत कोई क्या करते हैं, इसे पानी में डाल के साफ से धो के उसके बाद इसका बनाते हैं बेसन वाले मूंगफली। लेकिन आज मैं एकदम आसान तरीका आपको बताऊंगी, इस तरीके से आप जरूर बनाएं। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो पहले ही मैं बता देती हूँ, कहीं हो सकता है कि आपका मूंगफली खस्ता ना बने। तो यहाँ पर देखिए, एक आप रुमाल ले ले और इसे अच्छे से पानी से धो के थोड़ा गीला कर ले, और गीला रुमाल से हमें सारी मूंगफली को अच्छे से इस तरीके से क्लीन करना है। हल्का हल्का सा आप चाहे तो इसके अंदर भी इस तरीके से डालें और हल्का हल्का सा रगड़ के पोंछते जाए। हमें मूंगफली को सिर्फ साफ करना है। तो आपको मैं थोड़ा सा मैं करके बता देती हूँ, आप जब बनाएंगे ज़्यादा मात्रा में तो ऐसे पहले से मैं इसे क्लीन करके ले ली हूँ। आप ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे तो अच्छे से बड़ा सा कपड़ा को भिंगा के और उसे निचोड़ दीजिएगा, बिल्कुल पानी पानी सा नहीं रखना है, और पोंछ के साफ कर लीजिएगा। मूंगफली हमारा जितना अच्छा साफ रहेगा उतना अच्छा खाने में ये लगेगा। अब चलिए, इसके लिए हमें तैयार करना होगा बेसन और कुछ मसाले। मसाले से ही इसमें टेस्ट आएगा, स्वादिष्ट ये बनेगा। तो चलिए सबसे पहले इसका जो है बेसन तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मसाले बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, बेसन बनाने से पहले आपको मूंगफली को किसी भी कप या कटोरा में डाल के देख लेना है कि कितना है, तभी आप इसमें कितना बेसन पड़ेगा उसका सही नाप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक कटोरी ली हूँ और इसमें डालना है मूंगफली को। तो ये लग रहा है कि एक कटोरी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये एक कटोरी हमारा मूंगफली है, तो इसी कटोरी से हमें डालना होगा आधा कटोरी बेसन। जितना आप मूंगफली ले रहे हैं उसका आधा आपको बेसन लेना है। यदि आप 100 ग्राम मूंगफली ले रहे हैं तो आपको 50 ग्राम बेसन लेना होगा। तो चलिए, कटोरी को खाली कर लेती हूँ और इसमें ही बेसन लेके फिर बड़े बर्तन में हमें बेसन को डालना होगा। तो देखिए, यहाँ पर आधी कटोरी बेसन का ले ली हूँ और इसके साथ ही हमें डालना होगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नस्टार्च आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही खस्ता बनता है। यदि नहीं है तो आप सिर्फ बेसन से भी बना लीजिएगा। अब इसको डालना है हमें बड़े बर्तन में, जिसमें कि बेसन और कॉर्नफ्लावर को बहुत अच्छे से मिक्स कर पाए। तो इसी कटोरी में ले लेती हूँ थोड़ा सा पानी। पहले इसमें डालना है हमें नमक स्वाद के अनुसार। नमकीन मूंगफली के ऊपर से भी चाट मसाला वगैरह डाला जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान से नमक डालिएगा। नमक कम नहीं होना चाहिए, कम हो जाता है तो फिर वो टेस्टी नहीं लगता है। आपके पास वो जो होता है नींबू का सत्तू, नींबू का फूल, वो जो है आपको पैकेट में वो मिल जाता है, तो उसका 1 छोटा चम्मच इसमें डालिएगा। और नहीं है, जैसे कि मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पर उसकी जगह पे मैं डाल रही हूँ नींबू का रस, नींबू का जूस। ध्यान रखिएगा, बीज इसमें नहीं जाना है। 1 छोटा चम्मच के बराबर हमें इसमें नींबू का रस डालना है, ये डालना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप इसमें नींबू डालें या नींबू का फूल जो मिलता है टैटरिका बोलते हैं, जो कि खट्टा करने के लिए पड़ता है टाटरी, वो 1 छोटा चम्मच इसमें डालिएगा। अब इसमें डालना है हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो आप इसमें चाहे हल्दी पाउडर डाल लें, चाहे थोड़ा सा फूड कलर डाल लें। फूड कलर डालिएगा तो जैसे बाजार से लेके आते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका
देखने में कलर लग जाएगा। तो थोड़ा सा हमें रेड वाला फूड कलर डालना है, जो तंदूरी फूड कलर होता है उस कलर का होता है, तो उसी कलर का आपको डालना है। नहीं तो आपके पास नहीं है तो आप उसकी जगह पे हल्दी पाउडर थोड़ा डाल लीजिएगा। अब साथ में डालना है हमें लाल मिर्ची का पाउडर। एक छोटा चम्मच या आधा चम्मच, आप जितना मूंगफली ले रहे हैं उस अनुसार से सारे मसाले इसमें ऐड कीजिएगा। आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के और मिलाना है। देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाना है और बेसन को मिक्स करते जाना है। बहुत ही अच्छा रेसिपी है, आप एक बार जान जाएंगे इसको बनाने का तरीका, बार बार बना के रखना चाहेंगे। देखिए इस तरीके से अच्छे से फेंटिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हमारा बेसन तैयार हो चुका है। आप किसी भी कप या कटोरी से मूंगफली को नाप के लीजिएगा, उसी का आधा आपको बेसन डालना है। अभी इसमें डाल देती हूँ सारे मूंगफली के दाना को, और डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। हमें इसमें मिक्स कर देना है। देखिए बहुत अच्छे से मिलाइए, हर एक दाना पे ये लग जाना चाहिए। और पहले ये बना कर रख देना है, उसके बाद इसका मसाला तैयार करना है। जो मसाले के बिना जो है ये इसका स्वाद एकदम बेकार लगेगा, पता ही नहीं लगेगा कि आपने इसे बेसन वाले मूंगफली बनाया है या ऐसे नॉर्मल मूंगफली को फ्राई करके खा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे जो इसका टेस्ट में अहम रोल निभाता है वो है इसका मसाला, जो कि काफ़ी चटपटा बनाया जाता है। सारे मूंगफली को अच्छे से देखिए बेसन में लगा के रखी हुई हूँ, इससे हमारा जो मूंगफली है थोड़ा थोड़ा फूलेगा भी जब तक मसाला बनेगा तब तक, और बहुत अच्छे से ये मसाला जो है इसके ऊपर सेट भी हो जाएगा। तो हमें इस बेसन को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, इतना गीला कीजिएगा कि सारे मूँगफली के ऊपर ये बहुत अच्छे से लग जाए। तो चलिए इसे रख देती हूँ साइड में और हाथों को साफ करती हूँ। जरा सा आपको फटाक से मसाला बना के दिखा देती हूँ। इस पे लगा देना है ढक्कन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं भूल गई, मीठा सोडा डालना बहुत जरूरी होता है। एक पिंच आपको इसमें मीठा सोडा जरूर डालना है, तभी जाके ये खस्ता और अच्छा से कुरकुरा सा बनेगा। मैं भूल गई थी तो फिर हमें याद पड़ा। तो इसमें एक चुटकी के जितना आपको मीठा सोडा डाल के और अच्छे से फिर से मिक्स करना है। देखिए इतना ही देर में हमारा मूंगफली भी अच्छे से फूल चुका है। तो चलिए अभी रख देती हूँ इसे साइड में, ये मिक्स हो चुका है, बाद में फिर इसे थोड़ा सा मिक्स किया जाएगा। मसाला बनाने के लिए आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, और इसमें डालना है हमें थोड़ा सा चीनी, आधा छोटा चम्मच के जितना चीनी डालिए, और साथ में डालना है हमें भुना हुआ जीरा का पाउडर। तो जितना मूंगफली हमारा है 100 से 150 ग्राम के करीब होगा, उस उतना ही के अनुसार यहाँ पर सारे मसाले बना रहे हो, आप ज़्यादा भी मसाला बना कर रख सकते हैं। और इसमें डालना है हमें लाल मिर्ची पाउडर, इससे कलर आएगा बहुत अच्छा। तो आप कश्मीरी वाला यूज कर सकते हैं। और साथ में डालना है हमें गरम मसाला। अब इसमें खट्टा और मीठा टेस्ट के लिए चाहिए होगा हमें अमचूर पाउडर। आपके पास है अमचूर पाउडर तो आप डाले, नहीं है तो आप इसके जगह पे चाट मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में डालना है हमें काली मिर्च का पाउडर। अब यहाँ पर डालना है हमें सौंठ पाउडर, जो सूखा हुआ अदरक होता है ना जिंजर, तो वो सौंठ हो जाता है, तो उसका पाउडर है सौंठ पाउडर, इसमें डालना है। साथ ही में डालना है इसमें थोड़ा सा नमक, पहले भी नमक डाला हुआ है लेकिन मसाले में हमें नमक डालना है, तो थोड़ा सा इसमें हमें नमक डालना है। अब सारे चीज़ को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
मसाला हमारा मिक्स हो गया है। अब सारे मसाले को मिक्स करने के बाद डालना है मिक्सर जार में और अच्छे से एक बार चला देना है, जिससे सारे मसाले आपस में मिल जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवरफुल एक मसाला बनके तैयार हो जाए। और ऐसे मसाला बना के आप चिप्स के ऊपर, मसाला पापड़ जो बनाते हैं उसके ऊपर डाल के खाइए, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो चलिए अच्छे से मिक्स करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मसाला हमारा अच्छे से पीस के और मिल चुका है एक दूसरे में। अभी आपको क्या करना है आप देख लीजिएगा कि एक बार में आप मूंगफली का सारे नमकीन फ्राई कर लेते हैं या दो से तीन बार आपको करना है। जितना बार आपको करना है उतना हिसाब से मसाले को अलग अलग इस तरीके से बांट लेंगे। जैसे दो बार करना है तो दो जगह बांट लीजिए, तीन बार करना है तो तीन जगह इसे रख लीजिए, जिससे कि गर्मा गर्म मूँगफली के ऊपर हमें मसाले को डालना होगा, तभी जाके ये अच्छे से चिपकेगा। तो चलिए अब मूंगफली फ्राई करने का तरीका बताती हूँ, कैसे वो बनाइएगा जो खस्ता बनेगा। तो अभी एक बार मूंगफली को फिर वापस से हमें मिक्स करना होगा एकदम हल्के हाथों से, नहीं तो क्या होगा जो इसके ऊपर लगा हुआ है बेसन वो सब हट जाएगा। एकदम धीरे धीरे से इस तरीके से आपको कर लेना है। देखिए और देखिए यहाँ पर जो है बेसन का जो पानी था वो सारा मूंगफली में धीरे धीरे समा गया है और ये बहुत अच्छे से हमारा जो मूंगफली है ये कोटेड है बेसन से। तो चलिए अब फ्राई करने के लिए हमें तेल को गर्म करने के लिए रखना होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर तेल गर्म है, अब इसमें रख देना है हमें ये जो छानने वाला है और इसके ऊपर हमें डालना है मूंगफली को इस तरीके से। गरम गरम तेल में डालना है फिर इसे उठाना है। देखिए कड़ाही रहने की वजह से अच्छे से ये नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा इसे गर्म करना है। देखिए तुरंत एकदम तेल में इसे छोड़ना नहीं है, हल्का हल्का सा, और उसके बाद देखिए दो से तीन बार करने के बाद इसे तेल में डालिए और धीरे धीरे से करके इसका जो दाना है वो अलग अलग करते जाए। सारा दाना अलग अलग हो जाना चाहिए और आंच को थोड़ा कम रखिए, तभी ये जाके खस्ता होगा। इस तरीके से दाना को आपको छोड़ाते चले जाना है और इसके ऊपर से जरा सा भी बेसन हटेगा नहीं। आप देख पा रहे हैं कि कैसे एकदम बेसन चिपका हुआ है। तो आप इसी तरीके से जैसे जैसे बताई हूँ वैसे वैसे बनाइएगा मूंगफली, तो आपका भी एकदम बाजार के जैसे ही बनके और आएगा, एकदम खस्ता बनेगा। आंच को कम रखना है और अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। देख पा रहे हैं जब ये तेल जो है, तेल जब शांत हो जाए, कोई भी इस तरीके का रेसिपी यदि आप बना रहे हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये फ्राई हो चुका है। अभी देखिए तेल में कितना सारा झाग आ रहा है, बबल आ रहा है। जब ये फ्राई हो जाएगा तो तेल शांत हो जाएगा, बस आपको निकाल लेना है और आंच को कम रखिएगा, नहीं तो क्या होगा ये जल जाएगा। कलर आपको लगेगा कलर नहीं आया है लेकिन मूँगफली जल जाएगा। देखिए इस तरीके से हमें फ्राई करना है खस्ता होने तक। जब ये हो जाएगा तो एक दो मूंगफली जो है फटना शुरू होगा। देखिए आप आवाज सुन रहे होंगे, तो अभी ये हो गया है, एक बैच का मूंगफली हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और ये खस्ता भी हो गया है। जब आप मूंगफली को फ्राई करके इस तरीके से निकालेंगे, गरम ही रहेगा ये, तो इसके ऊपर हमें मसाला तुरंत ही डाल देना है। और जब ये मूंगफली अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब इसे आप बंद करिएगा डब्बा में और जब तक चाहे स्टोर करके इसे
खाइए। तो अभी इसके ऊपर मसाला डाल देती हूँ इस तरीके से, देखिए फ्रेंड। तो ये जो है अच्छे से चिपकेगा। डालने के बाद इसे मैं बर्तन में रख लेती हूँ और दूसरे बैच का फ्राई करती हूँ। और यदि आप छन्नी में डाल के नहीं करना चाहते हैं तो आप मूंगफली को ऐसे भी डाल सकते हैं। देखिए, एक तरीका ये भी है मूंगफली फ्राई करने का। और डालने के बाद इसे धीरे धीरे से करके आप इस तरीके से छोड़ाते जाए। इतना अच्छा ये बेसन बना होता है कि ये हटेगा नहीं मूंगफली के ऊपर से। तो इस तरीके से करके आप सारा दाना एक एक करके हटा दें। तरीका बहुत अच्छा है, ऐसे भी बनेगा और वैसे भी बनेगा। देखिए हट गया ना, धीरे से करके हल्के हाथों से सारे एक दूसरे में जो सटा हुआ है उसे हमें अलग करना है। देखिए अभी अलग देख पा रहे। तो चलिए सारे मूंगफली फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। जब ये चटकता है तो समझिए कि ये खस्ता हो रहा है। झाग को पूरा खत्म होने दीजिएगा। तो देखिए इसके ऊपर से इस तरीके से हमें मसाला डाल देना है। इसका आवाज से आप सुन पा रहे होंगे कि ये कितना खस्ता बना है। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ये बहुत ही ज्यादा खस्ता हो जाता है। अभी गर्म है फिर भी देखिए कितना खस्ता है। देखिए है ना, एकदम टूट गया है। तो आप भी बना के रखिए और खाइए। खाने के बाद बताइएगा कि कैसा बना आपका रेसिपी, अच्छा बना या नहीं। और इसे आप जब तक चाहे स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छा लगा होगा वीडियो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।